जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए कोविड हेल्थ सेंटर का गत दिवस सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने निरीक्षण किया। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर के छात्रावास को हेल्थ सेंटर बनाने के बाद विधायक ने अधिकारियों के साथ सारी व्यवस्थाएं जांची। विधायक ने मौके पर पहुंचकर सदर एसडीएम सहित सीएमओ के साथ कमरों में जाकर सारा निरीक्षण किया। इसी के साथ विधायक ने कमरों में खिड़कियां सहित पानी व बाथरूम को सही करने के भी निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से बिलासपुर कॉलेज के छात्रावास, आयुर्वेदिक अस्पताल सहित जवाहर नवोदय स्कूल कोठीपुरा को कोविड हेल्थ सेंटर बनाया गया है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि ये सेंटर बनने से बिनोला कोविड सेंटर का भार कम होगा। इसी के चलते बीते वीरवार को अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी ने आयुर्वेदिक अस्पताल का निरीक्षण किया था, तो वहाँ अब बिलासपुर कॉलेज में बनने जा रहे कोविड हेल्थ सेंटर का निरीक्षण सदर विधायक के द्वारा भी किया गया है। सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि कॉलेज छात्रावास का निरीक्षण किया गया है, अधिकारियों को व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। आज ये कोविड के बिलासपुर में जो ये सेकंड शिफ्ट जो आ रही है, तो बिलासपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और एडमिनिस्ट्रेशन को के साथ बातचीत भी की और उसके साथ साथ कुछ निर्देश भी दिए हैं। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी लोग डीसी, एसडीएम, सीएमओ सभी लोग लगे हैं और मैं भी व्यक्तिगत तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करने के लिए आज हम कुछ एक जगहें हैं हमारी जहां पर ये हमारे कोविड सेंटर के लिए जगह और पेशेंट्स के लिए जगह का निरीक्षण भी कर रहे हैं। उसमें से जहां आज हम यहाँ कॉलेज का ये हॉस्टल है इसमें खड़े हैं, यहां पर भी व्यवस्था को देख रहे थे। जहां जहां ये हमें स्थान मिल रहे हैं उन स्थानों को चिन्हित भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं और आने वाले दिनों के लिए हम यहाँ पर माकूल व्यवस्था करने के लिए बिल्कुल प्रशासन और सभी लोग लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पर यह बिलासपुर में अभी तक कोई ऐसा अलार्मिंग भी नहीं है, लेकिन लोगों से मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि जो दूसरी लहर है इसमें खासकर नौजवानों के ऊपर ज्यादा ये असर भी हो रहा है और नौजवानों से भी कहना चाहूंगा कि इसके लिए वह सभी को एजुकेट करें, अवेकनिंग करें और प्रेरित हों और अपने आप भी मास्क और ऐसे ही भीड़भाड़ वाली जगहों से अपने आप को भी बचाएं, बाकियों को बचाएं, अपने आप भी सुरक्षित रहें, परिवार के लोगों को भी सुरक्षित रखें और जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है हम उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि आपका भी बहुत इसमें सहयोग चाहिए और हमेशा रहा भी है। इसलिए बिलासपुर में दो तीन दिनों में हम सारी जो हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी बातचीत करेंगे और वह लोग भी मन से भी लगे और ये मानवता के लिए काम हो रहा है। ये न किसी सरकार का काम है न किसी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन भी हम सब लोगों के ध्यान रखने के लिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए और कोरोना का जो युद्ध है इसके लिए लड़ने के लिए सभी का सहयोग आमंत्रित कर रहे हैं। और मैं आज प्रेस में भी देख रहा था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ कमेंट्स किए हैं, तो मैं यही कहूंगा कि ये सारी चीजें बाद में राजनीति करने का समय होगा, उस समय कर लेना, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं कंफ्यूज है और उनको अपने आप कहीं ऐसा लग रहा है कि आपस में उनकी गुटिज्म के कारण हुआ या देख रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री का ज्यादा विरोध करता है। यह विरोध करने का समय नहीं है, सभी सहयोग करें। मैं भी यहां पर बिलासपुर में सभी राजनीतिक पार्टियों से भी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी, आम शहरी से भी और सभी